अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सफ़र करने लगे हैं इस्लामाबाद से कराची, और जो एयरलाइन हम यूज़ कर रहे हैं सरीन एयर से हम जा रहे हैं, और सरीन एयर का हमारा एक्सपीरियंस फर्स्ट है ये। सबसे पहले हम एयर सेफ की सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाएंगे, उसके बाद हम एयरपोर्ट पर इंटर हो जाएंगे। इंटर होते ही हम अब जा रहे हैं आगे डोमेस्टिक लॉन्च की तरफ। यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है, सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी, काफ़ी तूफान था, मगर अब धूप निकल चुकी है, काफ़ी अच्छा मौसम फील हो रहा है। यहाँ पे हमें जैसे हम इंटर हुए तो हमें ये गुड न्यूज़ मिली कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, तो जो जिसका टाइम था सुबह 10:25 जो कि अब जाएगी तकरीबन 12:30 बजे तक। ये इनका वेटिंग एरिया है जहाँ पे हमारे अलावा कोई भी नहीं था। ये बहुत खूबसूरत इनका आर्किटेक्चर है। ये इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ये शेड्यूल है फ्लाइट का जो कि अब 12:35 शो कर रहा है। अब पता नहीं यहाँ पे इतने अच्छा वेटिंग एरिया होने के बावजूद लोग बाहर क्यों खड़े रहते हैं, अंदर कोई भी नहीं था हमारे अलावा। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कोई बता नहीं था, हालांकि यहाँ पे बेहतरीन है, सब कुछ सहूलतें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। खैर, अब हम आ चुके हैं बाहर ताकि हम दोबारा चेक इन करवा सकें। वेटिंग एरिया से हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब हम दोबारा जा रहे हैं चेक इन के लिए। आई होप कि अब हमारा चेक इन हो जाए। सुबह इतने अच्छे मौसम के बाद दोबारा से गर्मी फील हो रही है। ये सब वो लोग हैं जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे जबकि इतना अच्छा वेटिंग एरिया अवेलेबल है। अंदर आ गए हम, और सबसे पहले हम अपना लगेज पैक करवाएंगे। 50 रुपीज़ लेते हैं ये एक बैग के, इससे ये फ़ायदा होता है आपका लगेज सिक्योर हो जाता है। बोर्डिंग पास हमारे पास आ चुके हैं, ये हमारे बोर्डिंग पास हैं। सरीन एयर से हम जा रहे हैं, अब हम जाएंगे दूसरे वेटिंग एरिया में। इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया भी है, हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको सारा नज़र आएगा। इनका पीछे काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया है, इनका अरेंजमेंट स्कीम है उन्होंने काफ़ी अच्छी, और ये इनका VIP लॉन्च जो कि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, खाली सब खाली पड़े हुए थे, हालांकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं मगर सब आगे पीछे घूम रहे होते हैं। ये रनवे के कुछ नज़ारे, ये पार्किंग एरिया जो यहाँ से बाहर नज़र आ रहा है, और ये रनवे, और यहाँ से हम नीचे जाएंगे, वो सामने वेटिंग हॉल है। हमारा जो गेट नंबर वो C5 था, C5 से हमने आउट होना है, और ये हमारा एयरक्राफ्ट जो कि आ चुका है। अब हम बोर्डिंग पास चेक करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। ये अब हम अपने एयरक्राफ्ट में बैठ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, नीट एंड क्लीन, और एयरक्राफ्ट भी नया है, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, केबिन क्रू
और अब हम हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो टैक्सी टू रनवे करेगा, उसके बाद रनवे पे जाकर फिर ये टेक ऑफ के लिए अपने को रेडी करेगा। फ्री नियर के साथ ही हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मगर बहुत अच्छा लगा। इस टाइम हम 37,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं जो अबव सी लेवल है, और बहुत स्मूथ इस टाइम क्रूज हो रहा है हमारा एयरक्राफ्ट। और अब से कुछ देर बाद हमें ये खाना भी देंगे। बहुत अच्छा है, सुकून है इस टाइम, खामोशी। और ये हमारा खाना आ चुका है जिसमें ब्राउन राइस विद चिकन करी, सैलेड, गुलाब जामुन, उसके बाद रायता। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं कराची की तरफ। अब हम लैंड करेंगे जहाज़। अब हम कराची इंटर हो चुके हैं। अब जो कैप्टन है वो जहाज़ को लाइनअप कर रहे हैं लैंडिंग के लिए, ताकि ईजी और स्मूथ लैंडिंग हो सके। फ्लाइट ड्यूरेशन था 2 आवर्स का, मगर हम 1 आवर 40 मिनट्स पर कराची लैंड कर चुके थे। रनवे पर लैंड होने के बाद एक टैक्सी करेगा, और उसके बाद सारे पैसेंजर्स आस्ता आस्ता से उतर जाएंगे। अब हम भी इस एयरक्राफ्ट को खैर बात कह रहे हैं, और इसको खैर बात कहने के बाद अब हम एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे। ये रहा कराची एयरपोर्ट। उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप उस तरह के मज़ीद ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना